अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी अब पीसीबी की मिन्नतें करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि पीसीबी अपने मौकफ पे अड़ा हुआ है कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और इंडिया वहां से अड़ चुका हुआ है कि हम जो मर्जी हो जाए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो आईसीसी अब दोनों के आगे जो है वो हाथ जोड़कर बैठा हुआ है कि भाई मान जो भाई, मेरा बेड़ा गर्क ना करो, मेरा नुकसान ना करो। और भाई अब अंदर के खाते, यानी कि आप कह लें कि बैकडोर मीटिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तान की भी मिन्नतें गिरी जा रही है और इंडिया की मिन्नतें चली जा रही है कि भाई खुदा दा वास्ता कोई हल निकालो, कोई सलूशन निकालो, इस चैंपियंस ट्रॉफी को बचा लो। और बैक डोर रबते हो रहे हैं इस टाइम। देखिए, दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दिन हो सकता है कि आपको थर्सडे नाइट तक या फ्राइडे तक इसका शेड्यूल आ जाए और हो सकता है कि उसमें कुछ इंडिया के मैचेस बाहर भी चले जाएं। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि देखें, अब ये जो बैकडोर रबते हो रहे हैं ना, अब इसमें इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान मान चुका है, और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इंडिया एक मैच पाकिस्तान में खेलने के लिए मान चुका है। तो देखें, दोनों मीडिया की तरफ से पॉइंट स्कोरिंग स्टार्ट हो चुकी भी है, लेकिन असल जो खबर निकल के यही आ रही है कि हो सकता है अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड मॉडल ही हो जाए। देखिए, फाइनल में मनाया जा रहा है कि आपको शायद ये अभी न्यूज़, देखिए कंफर्म कुछ नहीं है, अभी जो इंडियन मीडिया भी न्यूज़ दे रहा होगा वो भी गलत है और पाकिस्तान मीडिया भी अगर न्यूज़ दे रहा होगा वो भी गलत है, लेकिन हो सकता है कि जी इंडिया को ये मनाया जा रहा हो कि यार आपको तीन मैचेस आपके बाहर देते थे, अब तीन मैचेस बाहर देने का मतलब है कि पाकिस्तान का मैच भी शायद बाहर चला जाए, सेमीफाइनल भी दे देते और सेमीफाइनल भी देते, लेकिन फाइनल के लिए एक दिन के लिए तो आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं ना। तो इस चीज में मनाने की कोशिश की जा रही है कि फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान पड़ेगा, फाइनल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि ये रूमर है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आईसीसी नहीं चाह रहा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि बड़ा आसान है यहां पर कि इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप ही अलग कर दिया जाए, इंडिया अपने तीन मैचेस बाहर जाए खेल ले और चैंपियंस ट्रॉफी से फीकी पड़ जाएगी, लेकिन आईसीसी इस चीज में नहीं मान रहा। और दूसरे क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये भी नहीं चाहते कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि सबने उसका कह लो कि रोटियां फिर सबने तोड़नी होती है, जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो सब में पैसा बढ़ता है। और खास तौर पर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जिनका सारा यहां पर स्टेक लगा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है सारा स्पॉन्सर इंडिया से आ रहा है, तो भाई वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, लेकिन देखें कुछ जो है इंडिया के पॉलिटिशियन है अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिनेरियो खराब करके बैठे हैं। हाँ, अब पाकिस्तान भी अकड़ चुका हुआ है, रिसेंटली ही जो मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत कहीं जा रहे हैं, तो देखें मामला बहुत ज्यादा, मामला मानी सिर्फ दो पॉइंट्स पे रुक गया है, एक फाइनल का इशू है और एक पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मैच का इशू है। ये दो मैचेस है, पाकिस्तान तीन मैचेस पाकिस्तान इंडिया के बाहर करने के लिए शायद एग्री कर चुका होगा। अगर मैं आसान लफ्जों में अपनी ऑडियंस को समझाऊं तो बात ये बचती है कि पीसीबी कह रहा है कि अगर हम आपका अगर हाइब्रिड मॉडल मान भी लें, आपकी शरायत मान भी लें, तो 80% मान लेंगे, लेकिन आप ये ना हमसे उम्मीद लगाएंगे हम 100% मिनोवन आपकी बातें मान लें, ये नहीं हो सकता। हम कम से कम ये कर सकते हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल करवाना है तो एक आधा मैच तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने का मकसद खत्म हो जाता है ना। तो ये जो अब मेरा मामला काफी करीब है, इसमें एक और चीज भी है, देखिए ये भी प्रैक्टिस हो सकता है कि देखिए ये अभी तो फिलहाल पांच मैचेस है ना यहां पर जो इंडिया के लेके जा रहे हैं, यानी कि दो, एक फाइनल सेमीफाइनल और इंडिया के तीन मैचेस, ये डिमांड बाहर जा रहे हैं, ये डिमांड है। अब पीसीबी इतना सख्त मौका इसलिए अपना के बैठा हुआ है कि वो चाह रहा है कि देखिए जैसे एशिया कप के अंदर हुआ था कि हम ज्यादा टूर्नामेंट के मैचेस जो है वो बाहर ले गए, तो पीसीबी चाह रहा है कि मैक्सिमम अगर हम खोए ना, यानी कि आप कह लेंगे पाकिस्तान पीसीबी हार जाता है, टोटल 14 मैचेस है ना, 14 में से 5 मैच माइनस हो, 15 मैचेस सॉरी 15 में से 5 मैच माइनस हो, 9 तो कम से कम हो ही हो पाकिस्तान में, 10 मैचेस होने चाहिए, मानी बनता भी है, देखिए एज ए होस्ट तो पाकिस्तान का बनते है। अच्छा, मसला पता है कहां अड़ेगा ज्यादा, फाइनल का मुझे लगता है कि इतना इशू नहीं होगा, फाइनल का भी मामला रिजॉल्व हो जाएगा, कोई एक दिन के लिए आना है। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, पाकिस्तान ने जो एक रट पकड़ी है कि हम पाकिस्तान वाला मैच एज ए होस्ट होते हुए इंडिया के साथ जाके दुबई में नहीं खेलेंगे, ये चीज भी मसला फंसा हुआ है। और अगर ये मैच पाकिस्तान फॉरफिट करता है या ये डिमांड रखता है कि यार ग्रुप ही अलग कर दो, तो फिर मसला खराब हो जाएगा, फिर आईसीसी भी जो कहते हैं वो मसला खराब उसके लिए भी होगा, पैसा नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर तो बिल्कुल रोने लग जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल यही है कि इंडिया जैसे इस टूर्नामेंट में खेल ही नहीं रहा या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट खेल नहीं रहा, क्योंकि स्पॉन्सर इकट्ठा नहीं होगा, वो मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो मैच होने के लिए किसी ना किसी एक पार्टी को तो हार नहीं हारना, अब वो पाकिस्तान हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, अब गिव एंड टेक का मामला है, क्योंकि अब देखें हो सकता है कि अगली बातें अभी से स्टार्ट हो गई हो, बैकडोर जो बैक चैनल में जो रबते हो रहे हैं उसमें शायद जो 2000 ये जो होना है एशिया कप इसी साल होना है ना, देखिए सारी बातें एशिया कप में भी होना है, 26 में भी वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसमें भी हो सकता है पाकिस्तान अभी मुद्दा रख ले और अभी कोई रिटर्न ले लेके भाई अगर अभी इस बार आपका मान लेते हैं हम हाइब्रिड मॉडल आपको देते हैं, लेकिन फिर आपको भी हमारी माननी पड़ेगी और आपको भी हमें हाइब्रिड मॉडल देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आगे की बातें अभी स्टार्ट हो गई हो। लेकिन देखिए अभी जब तो बातें जो चल रही हैं और खासतौर पर जो पाकिस्तानी
मीडिया और इंडियन मीडिया का जो आप कह लेंगे अंदर से जो बातें निकाली जा सकती हैं, हाइब्रिड मॉडल पे मोहर लग चुकी है। देखें जो हम कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल तो हो रहा है। और आईसीसी देखिए, और आज इंडिया ने दोबारा मोहर लगाई ना, उन्होंने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी मना कर दिया, उनको भी एनओसी जारी नहीं। आईसीसी एक बहुत ही बुरी मिसाल क्रिकेट की दुनिया में करने जा रहा है, हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा के। देखें अब ये जो 8 टोटल कंट्रीज होती थी जो कि होस्ट करती होती थी ऐसी टूर्नामेंट, क्योंकि ये ग्लोबल क्रिकेट तो है ही नहीं गेम, तो यहाँ पर अब देखें हर बंदा करेगा कि यार मैंने इधर जाना, आज मेरा हाइब्रिड कर दो वो कर दो, तो ये बड़ा मामला आगे चल के खराब होगा। अभी वक्ती तौर पर तो हल निकल लगा, इंडिया की जीत अब हो सकता है देखने को मिल जाए, इंडिया अपनी बातें मनवा, लेकिन आगे चलकर इसका जो गंद मचेगा उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस टाइम तो देखिए हमारे घर एक कह लो फंक्शन है ना, हमारे घर अगर फंक्शन को खराब करने से बचाना है तो हमने बचाना है, हम उसकी पूरी कोशिश करें कि बचा ले किसी तरीके से इसको करवा ले। और देखिए फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, वो बात जेन्युइन है, तो उसको बचाने के लिए भी पाकिस्तान जो है ना वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन जब मामला आएगा अगली बार इंडिया पे, तो फिर देखिए पाकिस्तान ने पूरा पूरा मूड बनाया हुआ है कि उनकी भी पार्टी फाइल करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।